शाजमा, क्या बात है, परेशान नजर आ रही हो। खैर तो है ना? खैर ही तो नहीं है अम्मा। या अल्लाह, खैर क्या हुआ है? आप बिल्कुल ठीक कहती थी महाज के बारे में, आपके सारे अंदाजे बिल्कुल सही साबित हुए। वो तो कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता था। झूठा, फरेबी, मक्कार, धोखेबाज। अम्मा, वो मुझे सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। वो मेरे जरिए एहसन से अपने ताल्लुकात बेहतर करके सारा से शादी करना चाहता है। मर मिटे वो सारा के हुस्न और उसके जायदाद पर। याला, क्या करूं मैं इस लड़के का? मेरी मोहब्बत और मेरे इत्तेबार की धज्जियां उड़ा दी हैं उसने, लेकिन मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। मर जाऊंगी लेकिन एहसन का दामाद उसे कभी नहीं बनने दूंगी। तूने भी उसे अपनी कंपनी में घुसाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, भुगत अब। एक दूसरे का फ्रॉडिया और घपलेबाज है, पता नहीं तुझे उसमें क्या नजर आ गया। वक्त फरादिया नमक हराम कहेगा। अरे शाद, अब ये मोहब्बत की पट्टी अपनी आंखों से उतार दे। क्यों उस खबीस की खातिर अपना मसा बसाया घर बर्बाद करने पर तुली हुई है, और वो तो चाहता है कि तेरा घर बर्बाद कर दे। अब भी वक्त, मान ले मेरी बात, तू एहसन को जल्द अज जल्द औलाद देकर सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। एहसन को मुझसे कोई औलाद नहीं चाहिए अम्मा, उसने मुझे साफ साफ कहा है। आप मुझे कोई और हल बताएं। अरे मान जाएगा, तू उसको अपने काबू में तो कर, प्यार से मोहब्बत से अपनी मुट्ठी में कर ले, फिर जो चाहे मनवाती रहना। अरे खूबसूरत और जवान औरत की अदाओं में बड़ा जादू होता है। चुर्प का पत्ता तब तक तेरे हाथ में जब तक तेरे चेहरे पे जुरिया नहीं आ जाती। अभी बहुत वक्त पड़ा है, कैश करवा अपनी खूबसूरती को, समझी? कुछ समझ गई हूँ मैं, सब कुछ समझ गई। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.